कल हमारा जो एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुआ, जो बैठक हुआ, इसका मेन रीज़न क्या था ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इसका मेन रीज़न था, एक जो नोटिस आया है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैटर का बात बाद में करते हैं। पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एक कागज़ आ रहा है, जो मेरे ख्याल से सभी भाई ने वो देखे होंगे कि डीजे के लेके बैन को लेकर, तो इसका भी पूरी तरह से जानकारी अभी नहीं हुआ है। बाकी इतना समझ में आया कि किसी ने, सिविल सोसाइटी ने पीआईएल किया है हाई कोर्ट पे। अभी उसका पूरा पूरी सुनवाई नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के तरफ से कोई भी हम लोग का बैन के लिए मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन जब एक तरफ से पीआईएल हुआ है, यानी याचिका यानी केस जब दर्ज हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में अभी कोई भी है नहीं। इसीलिए अभी गवर्नमेंट के तरफ से पूरी तरह से समझ के रखिए कि अभी एक आदेश दिया गया है कि अभी इसको बंद रखा जाए। और बाकी ये निर्भर करता है, कहीं अगर सेटअप वोटअप लगाते हैं तो वो अपना जो थाना प्रभारी है, आप उनसे परमिशन लेके, उनसे बात करके आप ये चीज़ चला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप लोग अपने मन से अभी कहीं भी कोई भी जगह में रोड शो नहीं कीजिएगा। और इसी चीज़ के लिए बैठक था, क्योंकि सरकार के पास अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से मतलब कितना परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा कि कौन तरीका से चला रहा है, कौन बिना तरीका से चला रहा है, कौन सरकार के नज़र में है या कोई अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। बहुत सारी ऐसी बात है। लेकिन सबसे पहले मेन मुद्दा ये आता है कि हम लोग क्या प्रोसेस लिए हैं। तो सबसे पहले सरकार को ये दिखाना होगा, एक मिनट थोड़ा सा सॉरी, और एक कॉल आ गया था। बस उसके लिए क्या करना है, अपने आप को किस तरह से नियमित रहना है, किस तरह से एसोसिएशन से जुड़ा, जो व्यक्ति अभी तक एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं वो अपना जो सामने का जो एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, जो महोदय है, आप उनसे संपर्क करें और उनसे जुड़े, ताकि समय आने से जो भी नियम वगैरह जो भी रहेगा आपको पता चलते जाएगा। तो जो भी जहाँ के भी है, जितना भी शाखा आपके, हर जगह का एक शाखा होता है, आप उस शाखा में जुड़ जाइए। और अभी एक चीज़, कागज़ जो वकील वगैरह ये सारा चीज़ जो भी प्रोसेस है, इसके प्रोसेस में पहले जाएंगे। और साथ में अगर हम लोग का कभी प्रदर्शन करना पड़े, मतलब अपना क्या बोलते हैं, रोड पे आना पड़े, तो इसमें सबको आना पड़ेगा जो भी जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि सब अपना जो भी सामने का एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, जो वहाँ पर आप जुड़ जाइए, जाके बात कीजिए, वहाँ से आइडेंटिटी वगैरह सारा चीज़ लीजिए। और जितना भी चाहे जिसके पास छोटा बड़ा जैसा भी सेटअप हो, आप जुड़ जाइए, नहीं तो कल दिन आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो बड़ा सेटअप है, जो थोड़ा सा मतलब हर तरह का काम पकड़ते हैं, रोड में हो, विसर्जन हो, पार्टी सेटअप हो, ठीक है, जो भी रोड पे आ गए हैं, मतलब जो भी बाराती लगाते हैं, पार्टी सेटअप लगाते हैं, विसर्जन करते हैं, छोटा एकदम सा छोटा सेटअप जो हो गया पंडाल के पास जो रहता है, छोटा छोटा एकदम, कितना छोटा छोटा है, तो उनको, उनका तो अपना पंडाल का लाइसेंस रहता ही है। लेकिन जो रोड पे काम करते हैं, बाराती, विसर्जन, रैली, उनसे एक सूचना उनको देना चाहता हूँ कि आप एक तो पहले अपना ITR फाइल वगैरह करा लीजिए। दूसरा बात, जो जो नहीं किए हैं, जो जो किए हैं वो अच्छा बात है, जो जो नहीं किए हैं, साल में 2,000 रुपया खर्चा आता है, अभी पता नहीं क्या आता है, उतना तो याद नहीं है, मिनिमम तो 2,000 के अंदर आ जाता है। और उससे भी पहले आप वहाँ पर जुड़ जाइए, अपना जो एसोसिएशन है उसमें जुड़िए। समय आने पर आप सभी को जो बुलावा आएगा, उस समय हम भी रहेंगे और भी जो बड़े डीजे वाले हैं वो सब रहेंगे, और सबको एक साथ होके अपना हक का लड़ाई लड़ना होगा। कोई भी रोड शो या कोई भी विसर्जन या कोई भी चीज़ हम लोग अपने मन से नहीं करते हैं,
एक होता है कि नॉर्मल जो रोड शो करते हैं, जैसे बाराती हो गया, ये तो खुशी की बात है, ठीक है, इसमें कोई भड़क नहीं होता है। अगर कोई चीज़ से दिक्कत होता है, जैसे कि हो गया बड़ा रोड शो, तो उसमें परमिशन लिया जाता है। ऐसे नहीं कि हम लोग अपना मनमानी से जाके बांध दिए, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ रहता है, जिस तरह से कोई एक नेता भी हर रोज़ रैली नहीं कर सकता है, उस तरह से हम लोग भी हर रोज़ कोई भी बड़ा रोड शो नहीं कर सकते हैं। एक सॉरी सॉरी क्या होता है, कोई भी इस वीडियो का काट पॉइंट नहीं उठाएगा, सब कोई अपना ये पूरा फुल वीडियो दिखाने का कोशिश कीजिएगा। इसको टॉपिक बना के मत कीजिएगा कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, ठीक है, ये जानकार वाला इन्फॉर्मेशन है। और भी जो भी बात होते जाएगा, वो बात आपको सारा चीज़ चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और मेरा थोड़ा सा जो हुलिया है, हालांकि हमारे घर में डेथ की है, इसके चलते अभी कुछ नियम होता है, जैसे नहाना होना, सारा चीज़ अभी बंद है, ठीक है। और इसमें तो देखो, एक एटीट्यूड की ने क्या है, डीजे बैन होना चाहिए। देखो, झूठ मूठ का ऑनलाइन गाली खाने का काम मत करो, ठीक है। तेरा पापा यहाँ पैसा दे के नहीं गया था, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। टैक्स दे के हम लोग काम करते हैं। देखो, हीरो बनो, घर के अंदर हीरो बनो, यहाँ पर नहीं, ऑनलाइन में हीरो मत बनो, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग शांत रहते हैं, उतना ज़्यादा सबको गुस्सा भी आता है, तो उसका रूप देखने का इंतज़ार मत करो, ठीक है। हाँ भाई, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं का डेथ हुआ है, और पहला मीटिंग शनिवार को ही था, तो शनिवार से ही है, जिसके चलते अभी भी हम लोग का वही नियम होता है। हम अपना गांव में लगभग हर जगह होता है, हर चीज़ का घर में, सबका घर में होता है, कि 14 दिन तक नियम में हम लोग को रहना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं, देखिए, कोई भी रोड शो अगर होता है, तो ऐसे नहीं कि हम लोग अपने मन से गए, बांध दिए, पूरा ये हो गया। और उतने जो लाखों लोग हैं, वो पागल नहीं है कि उतना धूप में, उतना ये में आके खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हॉस्पिटल है तो वहाँ जाकर हम लोग जोर जोर से बजा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और शाम 7 बजे कोई स्कूल के सामने या किसी चीज़ में कहीं पर भी, वो लिखित ले लेते हैं कि ये जगह में बंद रहेगा या एकदम नहीं बजेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोकारो में भी बहुत सारे ऐसे जगह था जहाँ पर बंद था। ऐसा नहीं है कि इस नियम का उल्लंघन करके हम लोग कोई काम करते हैं बोल के, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बाकी इस लाइव को बड़ा नहीं करते, फिर से लाइव आएंगे, ऐसा जरूरी जरूरी जो बातें रहेगा और उसको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी मतलब अभी क्या ही बोले, बाकी इतना शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि आप जुड़ जाइए, समय आएगा तो सबको रोड पे उतरना होगा, क्योंकि सब कोई काम करते हैं, ठीक है। और क्या तरीका रहेगा, मैं ये भी बताऊंगा कुछ कुछ वीडियो में, कि किस तरीका से कोई भी बड़ा काम पकड़ते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। ताकि आप समझ लीजिए, 2 ट्यूटर का दाम से आप ये सारा कागज़ का प्रोसेस अपना कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के साथ साथ। सही बात है कि बहुत सारा चीज़ हम लोग जो जानकार नहीं है, हम भी नहीं थे, क्योंकि हम भी इस चीज़ से धीरे धीरे अपना शुरू किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे सीखे, कैसे कागज़ बनाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन वर्क करना है, कैसे अपना स्टाफ का शो करना है, ये सारा चीज़ आप लोग को भी बता देंगे आपको कैसे करना है। तो खास करके वो लोग जो बराती, विसर्जन, पार्टी सेटअप, ये 3 चीज़ जो करते हैं, मतलब रोड पे भी जो चलते हैं, आप ये सारा चीज़ करा लीजिएगा, ताकि और आपको कल दिन कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो नियम है, हमारे एसोसिएशन सेंट्रल ने भी आश्वासन दिए हैं कि हमारे हर हर मुश्किल में वो साथ रहेंगे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी रात 10 बजे तक समय दिए थे, वहीं पर धनबाद धनबाद में मीटिंग हुआ था। और बाकी जो हमारे जो अध्यक्ष है, हर
हर प्रखंड के, तो सब सब आए थे जो भी पदाधिकारी है उच्च लेवल के, उन्होंने भी अपना कीमती समय दिए थे और कहीं ना कहीं हम लोग को उनके अंदर ही जो भी डिसीजन आएगा उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और इससे बहुत सारा चीज़ आप लोग को फ़ायदा होगा, किसी का पैसा रुक जाना, किस कारण ये हो जाना, किसी का सामान तोड़ देना, जैसे बहुत सारे चीज़ आता है। तो अगर हम लोग एकता में रहेंगे तो ये सारा चीज़ किसी के साथ नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सब पार्टी वाला ही दोष रहता है, कहीं कहीं डीजे वाला भी दोष रहता है, तो उसमें बैठ के बात किया जाएगा कि भाई इसमें दोष किसका था, किस कारण था, ये सारा चीज़ बात किया जाएगा धीरे धीरे। क्या पहले अपना ये पहला स्टेप है और इसके बाद सबके चैनल में, शशि के चैनल में, पंकज के चैनल में और भी जो बड़े डीजे वाले हैं, जय भोले उधर, उनके चैनल में आपको मिलेगा, क्योंकि ये पूरा झारखंड से ये पारित होगा। तो जो भी आते हैं अलग अलग जगह से, गिरिडीह से चाहत डीजे, पनिश डीजे, डीजे क्रास, बहुत बहुत सारा डीजे जो भी आते हैं ना, सब सबके चैनल से अब ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा और सारे लोग अभी एकजुट होके, क्योंकि काम अपना जगह है, पहले अपना जो मेन मुद्दा है उस पर सब मिलकर अपना काम करेंगे और सबका चलेगा। क्योंकि एक आंकड़ा देखा जाए तो करीबन 3,000 से 4,000 डीजे वाले हैं मिनिमम, अगर देखा जाए तो पूरा बोकारो गिरिडीह ये क्षेत्र में, तो अगर मान के चलिए 3,000 ही 5,000 मान के चलते हैं, अगर और क्षेत्र गिरिडीह के साथ साथ और भी पेटरवर वगैरह ये जो शायद और भी क्षेत्र अगर लेते हैं, तो होता है क्या है, 5,000 मालिक, 5,000 के मिनिमम 5-5 स्टाफ, यानी 25,000 स्टाफ और मालिक, 25,000 के 5-5 फैमिली, तो कितना हो गया 1,25,000 मिनिमम। एक आंकड़ा दिया कि 1,25,000 फैमिली जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ गाड़ी वाले जुड़े हुए हैं, 25,000 और गाड़ी वाले जुड़े हुए हैं, 25,000 जनरेटर वाले जुड़े हुए हैं, 25,000 लाइट वाले जुड़े हुए हैं। तो आंकड़ा एक इतना बड़ा आंकड़ा है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए अगर कोई ये चीज़ को दर्शाया है कि डीजे ये चीज़ में गलत है, तो कहाँ गलत है, मान के चलिए कौन जो गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो गलत नहीं कर रहे हैं। कोई भी साइंस का, विज्ञान का कोई भी चीज़ अगर आता है तो उसका अच्छा ही भी रहता है और खराब ही रहता है, तो जो खराबी करते हैं उनके लिए एक्शन लिया जाए, उनके लिए प्रशासन नियम बनाए, जो सही ढंग से चल रहे हैं उनके लिए जैसे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी का ये मोटिव नहीं रहता है कि कोई भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को आहत मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करेंगे कि आप तो हरिद्वार में जाके कंपटीशन किए थे, सीधी सी बात है मेरा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि हम कंपटीशन करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी के पास है तो आप हमको दिखाएं। हम लोग को रोड शो के लिए बुलाया गया था, रोड शो किए थे, साथ में वो आ गया। अगर कोई आपको लड़ाई करने के लिए बोल रहा है तो उस समय ऐसे नहीं कि कोई कॉलर पकड़ लेगा और उसको छोड़ देंगे, तो उसमें मान सम्मान का बात आ जाता है, तो वो सिस्टम वो माहौल अलग रहता है। बाकी कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दिए, हमेशा रोड शो का ही आपको बात बोले हैं, तो ये चीज़ में भी ध्यान दीजिएगा। और अगर कभी कंपटीशन का या कोई चीज़ का बात करते हैं तो वो सारा जिम्मेदारी उसका दोस्त का मेरे ऊपर रहेगा, या जो भी इस तरह का बात करता है पूरा का पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगा, ठीक है। वीडियो